बीजेपी के अधिकांश लोगों की दुकान, राहुल गांधी के खिलाफ नफरत फैलाकर, उनके खिलाफ पूरी बकवास करके, उनके खिलाफ जहर उगल कर ही चलती है। इनमें से अधिकांश की उपयोगिता ही ये है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ भ्रम फैला सके, उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर सके, उनके खिलाफ झूठी बातें कर सके। इनमें से अधिकांश तो यही सोचकर फुदकते रहते हैं कि पार्टी में आगे बढ़ने का और नरेंद्र मोदी से शाबाशी पाने का इससे आसान रास्ता दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए तो इनमें से ज्यादातर न कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, न प्रवक्ता बनना चाहते हैं, न किसी पद पे रहना चाहते हैं, न सांसद न मंत्री। ये ट्रोल बनकर ज्यादा खुश है। लेकिन ये तीन बातें भूल जाते हैं। पहली कि राहुल गांधी को आप जैसी मूल बुद्धियों से तनिक भर फर्क नहीं पड़ता है, आप जबरदस्ती भौंक भौंक कर अपनी एनर्जी जाया करते हैं। दूसरी बात कि जनता सही समय पर हर नफरती चिंटू का, हर बददिमाग का दिमाग दुरुस्त जरूर करती है। और तीसरी बात, आपका काम कोरी बकवास करना है और काम होते ही आपको दूध की मक्खी की तरह से निकाल फेंक दिया जाएगा। जिस किसी को भी जरा सा संशय है, वो एक बार स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, बड़ी लंबी लिस्ट है, उनकी तरफ देख ले। तो कंगना रणावत जैसे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जननायक है, वो लोगों के दिल में बसते हैं, हर उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर उनकी जरूरत है। वो न्याय और सत्य के योद्धा हैं और न्याय और लोगों के हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैडम उनके खिलाफ आग नहीं उगलेंगी, उनके खिलाफ जहर नहीं बोलेंगी, तो इनकी उपयोगिता कैसे सिद्ध होगी, अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगी। लेकिन मुझे तरस आता है, इस देश के तीन राज्य केरल, हिमाचल, उत्तराखंड गंभीर आपदाओं से जूझ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के भक्तों की और कंगना जैसे नाकारे सांसदों की प्राथमिकता राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलने में है। मैं तो ईश्वर से आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना ही कर सकती हूं।